बसमिल्लर इब्राहीम डियर स्टूडेंट्स लास्ट टू लेक्चर्स में हमने डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूम रूट में सेकेंडरी टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा जो कि के वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से प्रोड्यूस होते हैं आज हम पढ़ेंगे उन सेकेंडरी टिश्यूज़ के बारे में जो सेकेंडरी ग्रोथ वेस्कुलर कैंबियम की सेकेंडरी ग्रोथ में प्रोड्यूस होने के बाद जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं और ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ जो है वो इनको पेरीडर्म का नाम दिया जाता है एंड दिस पेरीडर्म एक्चुअली ये जो है वो एपिडर्मस को रिप्लेस करता है मीन कि एपिडर्मस की जगह पर प्रोड्यूस होता है स्टेम और रूट्स में जहाँ पर सेकेंडरी टिश्यूज़ जो है वेस्कुलर टिश्यूज़ की डेवलपमेंट होने के बाद Uh, जो है वो विथ में इंक्रीज होती है एंड ड्यू टू दिस इंक्रीज एपिडर्मस जो है वो रप्चर हो जाती है एंड देन इट इज डिस्ट्रॉयड एंड देन इन प्लेस ऑफ दिस एपिडर्मस दिस प्रोटेक्टिव टिश्यू इज प्रोड्यूस्ड विच इज़ नोन एज द पेरीडर्म दिस पेरीडर्म इज प्रोड्यूस्ड इन द रूट्स एंड स्टेम ऑफ द एंजियोस्पर्म्स एंड द जिम्नोस्पर्म्स और इसमें जो है वो हम पीछे जो है वो डाइकोट स्टेम और रूट का जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था वेस्कुरर कैम्बियम की एक्टिविटी के बारे में जब हमने पढ़ा था तो उसमें ये डाइकोट स्टेम में हमने पढ़ा था कि जो है वो सकेंडरी टिश्यूज़ के प्रोड्यूस होने की वजह से जो है वो कॉर्टेक्स <coughs> रीजन और एपिडर्मिस में जो है ये फैलोजिन कॉर कैम्बियम जो है वो प्रोड्यूस होती है जो कि प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होता है जब रपच्चर टिश्यू की जगह पर प्रोड्यूस होता है और इसी तरह से हमने डाइकॉट रूट में भी जो है वो पढ़ा कि जब सेकेंडरी टिश्यूज़ प्रोड्यूस होते हैं वेस्कुलर सकेंडरी टिश्यूज़ प्रोड्यूस होते हैं बाय द कॉर्क कैम्बियम तो जो है वो पहले कॉर्टेक्स स्ट्रक्चर होती है डिस्ट्रॉय होती है उसके बाद एपिडर्मस भी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसकी जगह पर जो है वो यहाँ पर जो है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है वो प्रोड्यूस होता है जिसको हम कॉर्क कैम्बियम या फेलोजिन कहते हैं और ये जो है वो <coughs> दो टाइप्स के टिश्यू जो है प्रोड्यूस करता है आउटर साइड पर जो है वो फैलम या कॉर्क सेल और इनर साइड पर जो है वो फेलोडर्म सेल जो है वो प्रोड्यूस करता है तो कॉर्क कैम्बियम जो है ये इसको फेलोजिन भी कहते हैं एंड द कॉर्क कैम्बियम और फेलोजिन विच इज प्रेजेंट इन देरीडर्म पेरीडर्म द टर्म्स विच आर प्रेजेंट इन द दिच आर यूज फॉर द पेरीडर्म एंड इट्स कम्पोनेंट्स दिज आर डिराइव्ड फ्राम द ग्रीक वर्ल्ड और उसमें जो है पेरी का मतलब होता है अबाउट और डरमा का मतलब होता है स्किन एंड फैलम मीन्स कॉर्क और जन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस तो इसमें जो है वो अगर हम देखें दिज टू डाग्राम्स आर शोन इन विच द पेरिडम टिशू इज शोन एंड दिस पेरीडम टिशू इट हैज थ्री कम्पोनेंट्स फर्स्ट इसका जो कंपोनेंट है दैट इज़ नोन एज द फेलोजिन जिसको हम कॉर्क कैम्बियम भी कहते हैं और ये जो फेलोजिन है ये वो मरिस्टम है जिसके अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं दे आर मरिस्टमैटिक एंड दे प्रोड्यूस द टिश्यूज ऑन इट्स आउटर साइड एज वेल एज ऑन इट्स इनर साइड सो फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो फेलोजिन है जिसको कॉर्क कैम्बियम कहते हैं और ये मरिस्टमैटिक होता है दूसरा कंपोनेंट इसका जो है वो फैलम है एंड फैलम जो है दीज आर द दल्सो नोन एज द कॉर्क सेल्स और द सेल विच आर प्रोड्यूस एज द रिजल्ट ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ दिस कॉर्क सेल जो है दिज फॉर्म द फैलम टिश्यू ऑल्सो फैलम कॉर्क टिश्यू भी इसको कहते हैं एंड दिस इज़ प्रोड्यूस ऑन द आउटर साइड ऑफ दिस फैलोजन यानी कि फैलोजन जो है इसके जो सेल मिसमेटिक होते हैं ये आउटर साइड की तरफ जो सेल प्रोड्यूस करते हैं उस टिश्यू को हम फैलम या कॉर्क टिश्यू कहते हैं सेकेंड कंपोनेंट है फिर इस तरह से थर्ड कंपोनेंट इसका जो है वो फेलोडर्म कहलाता है फेलोडर्म इस टिश्यू विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द फैलोजिन ऑन इट्स इनर साइड नीचे की तरफ जो है प्रोड्यूस करता है और इसके जो सेल्स हैं वो फेलोडर्म से नीचे प्रेजेंट जो सेल्स होते हैं कॉर्टेक्स के उन कॉर्टिकल सेल जो है वो यानी कि कॉर्टेक्स के अंदर जो पेरन सेल्स होते हैं उनसे ये रिजेंबल करते हैं उनसे जो है ये मिलते जुलते सेल्स होते हैं तो पेरीडर्म जो है उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं फेलोजिन विच इज मरिस्टमेटिक फेलम विच इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस फेलोजेन ऑन इट्स आउटर साइड एंड फेलोडर्म विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय दिस फेलोजेन ऑन इट्स लोअर साइड अब इसमें जो फैलम कॉर्क सेल जो होते हैं ये जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में भी होते हैं और जो है पॉलीकोन्स की शेप में भी होते हैं और इसी तरह से फेलोजिन के जो सेल हैं ये भी रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं इनकी लेंथ इनकी ज़्यादा होती है और इनकी विथ जो है वो कम होती है जबकि फेलोडर्म सेल जो होते हैं ये जो है वो अदर पेरन क़ायमा सेल से करते हैं लेकिन ये दूसरे पेरन क़ायमा सेल से डिफरेंट इस तरह से होते हैं कि ये फेलोजिन जिससे प्रोड्यूस होते हैं उसके नीचे ये जो है वो रेडियल सीरीज़ की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फेलोजिन के नीचे जो है ये रेडियल सीरीज की फॉर्म में सेल जो जिन है वो प्रोड्यूस होते हैं जो फेलोजिन प्रोड्यूस करती है अब हम देखते हैं के वेयर दिस पेरीडर्म इज़ फाउंड वट इज़ द देंस ऑफ दिस पेरीडर्म के पेरीडर्म जो है ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पेरीडर्म इज फाउंड इन द स्टेम एंड रूट्स एंड द ब्रांचिज ऑफ द स्टेम इन द दिमनोस्पम्स एंड इन द एनजियोस्पम्स अब इसमें uh, जो है वो इसमें एंजियोस्पम तो के जो प्लांट्स हैं उनमें मेनली जो वुडी डाइकोट प्लांट है उन जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है उनमें मेनली जो है ये पेरीडम जो है वो डेवलप होती है पैरीडम जो है ये हर्बेशियस डाइकोट्स में भी जो है वो प्रोड्यूस होती है लेकिन हर्बेशियस डाइकोट जो प्लांट्स हैं उनमें उनके मेनली जो है वो उनके ओल्डर पार्ट्स जो स्टेम और रूट के होते हैं वहाँ पर ये प्रोड्यूस होती है मोनोकॉट के अंदर जो है वो रेयरली प्रोड्यूस होती है पेरिडम uh, जो है वो uh, मतलब बहुत ही रेयर कंडीशन होती है कि जिसमें ये प्रोड्यूस होती है पेरीडम इन द स्टेम्स ऑफ द वुडी प्लांट्स पेरिडम डेवलपमेंट जो है इट मे बी डिलेड मीन्स इट मे एट वेरी लेट स्टेज और इट मे नेवर अकर मीन्स या तो ये बहुत देर से डेवलप होती है या फिर जो है वो कभी भी डिवेलप नहीं होती और उसकी रीज़न जो है वो क्या होती है कि वेस्कर कैम्बियम से आउटर साइड पर जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जिनमें जो है वो एपिडर्मस है या कॉर्टेक्स है उनके सेल्स जो है वो एंटीक्लाइनली डिवाइड करते हैं और अपने सर्कम को जो है वो डेवलपिंग सेकेंडरी टिश्यू वेस्कुलर सेकेंडरी टिश्यूज जो है वो उनके साथ जो है वो मेंटेन रखते हैं उनको जगह देते हैं जिस uh, जिसकी वजह से जो है वो रक्चरिंग ऑफ टिश्यूज़ डज नॉट अकर एंड सो पेरीडम इज़ नॉट डिवेलप तो इनमें जो स्पीशीज़ हैं जिनमें पेरिडम जो है वो बहुत लेट होती है या नहीं होती है उनमें जो है वो एसर विस्कम और सिट्रस यूकिपलर यूक्लिप्टस और अकेसिया की जो स्पीशीज हैं वो पाई जाती हैं इसके अलावा पेरिडम जो है ये प्लांट पार्ट्स में उस वक्त भी डेवलप होती है जिन पार्ट्स में जो है वो डिजीज़ की वजह से Uh, कोई पार्ट जो है टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाता है तो वहाँ पर भी पेरिडम डेवलप होती है मीन के प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है वो डेवलप हो जाता है और इसी तरह से जो है वो अगर कहीं पर इंजरी हो जाती है किसी पार्ट में तो वहाँ पर जो वाउंड डेवलप होता है उस वाउंड के नीचे भी जो है वो पेरिडम डेवलप होती है जिसको वाउंड पेरिडम कहते हैं इसके अलावा ऑटम सीजन में जब लीफ एब्सीजन होती है लीफ एब्सीजन मीन फॉलिंग ऑफ द लीव्स लीव जब गिर जाते हैं तो द पॉइंट फ्रॉम वेयर दीज आर डिटैच्ड फ्राम द प्लांट प्लान्टेयर अबाउंड इज डिवेलप्ड तो ऑन दैट अबाउंड एरिया जो है वहाँ पर भी पेरीडम जो है प्रोटेक्टिव टिश्यू डिवेलप होता है अब हम देखते हैं कि पैरिडम जो है आ, उसके जो कंपोनेंट्स हैं तीन हमने पढ़े इनका जो है वो स्ट्रक्चर क्या है मींद के इसके अंदर किस टाइप के जो है वो सेल्स पाए जाते हैं <coughs> तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इट हैज़ थ्री कंपोनेंट्स फर्स्ट कंपोनेंट जो है दैट इज फेलोजन और फेलोजन जो है इसको कॉर्क कैम्बियम भी कहते हैं और ये एक सेकेंडरी टिश्यू मेडिस्टम है जो कि ऑलरेडी डिफ्रेंशिएटेड सेल जो है वो उनके अंदर प्रोड्यूस होता है और ये सेकेंडरी प्लांट बॉडी के टिश्यूज जो है वो प्रोड्यूस करता है फेलोजन इज सिंपलर दैन द वेस्कुलर कैम्बियम बिकॉज इन वेस्कुलर कैम्बियम वी डिस्कस दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनिशियल विच आर रे एंड फ्यूसीफॉर्म इनिशियल्स बट इन फेलोज़िन ओनली वन टाइप ऑफ इनिशियल्स आर प्रेजेंट एंड सेल्स इन देयर रेडियल डायरेक्शन विद देयर शॉर्ट एक्सिस वेन दिज आर सीन इन द क्रॉस सेक्शन दे अपीयर एज द रेक्टेंगुलर मीन लेंथ ज्यादा होती है और विद कम होती है और इसी तरह से जब हम इनको लॉन्गिट्यूडनल टेंजेंशियल सेक्शन में देखते हैं तो ये पॉलीगोन्स की फॉर्म में जो है वो नज़र आते हैं फैलोजिन सेल्स का जो प्रोटोप्लास्ट होता है इसके अंदर डिफरेंट साइज़ के वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे मे आल्सो कंटेन द क्लोरोप्लास्ट एंड द पिगमेंटेड सब्सटेंस लाइक टैनन्स भी जिनमें जो है वो प्रेजेंट होता है इसके अलावा फैलोजन सेल जो है उनके लेयर uh, में जो सेल प्रेजेंट होते हैं दे आर कंपैक्टली अरेंज्ड मीनस के एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े हुए प्रेजेंट होते हैं एंड नो इंटर सेलोलर स्पेसिस आर प्रेजेंट इनमें एबसेंट होती है, लेकिन हैं लेकिन सिर्फ उन एरियाज में इंटर सेलुलर स्पेसिस जो है प्रेजेंट होती हैं जहाँ पर जो है वो करीडर में लेंटी सेल्स की डेवलपमेंट होती है लेंटी सेल जो हैं दिज आर और वे वेयर द लूजली अरेंज सेल्स आर प्रेजेंट एंड दिस एरिया यूज फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज फॉर द प्लान पार्ट इन विच दीज आर प्रजेंट फैलोजन जो है ये वेस्कुलर कैम्बियम की तरह ये भी सीजनल एक्टिविटी जो है वो शो करती है मीनस के uh, जिस तरह uh, वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो फेवरेबल uh, कंडीशन जो है वो सीज़न में अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करती है और उसके नतीजे में जो है वो सकेंडरी वेस्कुलर टिश्य्री फ्लोइम एंड जाइलम इज़ प्रोड्यूसड जिससे विथ्थ में इंक्रीज़ आती है और उस इंक्रीज की वजह से जो आउटर टिश्यूज़ हैं उनमें जब रपच्चरिंग होती है तो उन रपच्चर प्लेसिस पर जो है ये फैलोजिन या कैम्बियम जो है वो फिर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है तो इसकी एक्टिविटी भी जो है वो वेस्कुलर कैम्बियम के साथ जो है वो सीजनल जो है वो एक्टिविटी होती है अब इसमें हम जो है वो देखते हैं इसका दूसरा कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द पेरीडम दैट इज फैलम जिसको हमने कॉर्क टिश्यू भी कहा एंड दिस इज प्रोड्यूस्ड ऑन द आउटर साइड ऑफ द फेलोजन फेलोजन सेल जो है कॉर्क कैंबियम के आउटर साइड पर जो सेल प्रोड्यूस होते हैं उसको फैलम सेल या कॉर्क सेल्स कहा जाता है और ये भी जो है वो टेंजेंशियल uh, सेक्शन में जो है वो पॉलीगोनल शेप में नज़र आते हैं जबकि uh, जो है वो क्रॉस सेक्शन के अंदर जो है वो रेडियल फ्लैट एंड फॉर्म में नज़र आते हैं और ये जो है ये कंपैक्ट रेडियल रोज में जो है वो अरेंज uh, हुए हुए नज़र आते हैं जब हम इनको क्रॉस सेक्शन में देखते हैं अब इसमें हम कॉक uh, सेल जो है uh, इनकी जो स्ट्रक्चर है वॉल स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि इसमें काक uh, सेल की जो प्राइमरी वॉल है इसमें जो है वो सेलुलोज प्रेजेंट होता है और सम टाइम इसमें जो है वो लिग्न और सुब्रिन भी प्रेजेंट होता है ये आप डिटेल में पढ़ चुके हैं जब आपने सेल वॉल वाला टॉपिक पढ़ा था कि उसके अंदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल के सेल के अंदर कौन कौन से जो है वो केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं केमिकल कम्पोजिशन में आपने पढ़ा था तो उसमें ये पढ़ा था कि लिग्न और सुब्रिन जो है ये केमिकल कंपाउंड्स हैं जो वॉल के अंदर जो है वो डिपॉज़िट होते हैं प्राइमरी वॉल जो है उसकी इंटरनल साइड पर जो है वो रिलेटिवली थिक लेयर ऑफ जो है वो प्रेजेंट होती है सुब्रिन की और उसको जो है सुब्रिन लेयर कहा जाता है और इस ये सुब्रिन लेयर एक्चुअली जो है इसमें वैक्स और सुब्रिन की अल्टरनेट जो है वो लेमेला मीन्स लेयर्स एक लेयर जो है वो सुब्रीन की प्रेजेंट है सेकेंड लेयर जो है फिर वैक्स की है फिर सुब्रीन फिर वैक्स प्रेजेंट होती है इसमें तो इसके अलावा जो है वो कुछ प्लांट्स के अंदर जो है वो इनके नीचे जो है वो एक सेलुलोज लेयर भी प्रेजेंट होती है जिसके अंदर लिगनिन भी जो है वो डिपॉज़िट हो सकता है और ये लेयर जो है ये जो है वो बॉटल कॉर्क जो है उसमें ये एब्सेंट होती है बॉटल कॉर्क जो है द कॉर्क विच इज़ यूज टू सील द बॉटल्स बॉटल को सील करने के लिए जो कॉर्क यूज़ होता है उसमें मेनली ये प्लांट जो है वो का सुबर का जो कॉर्क टिश्यू है वो यूज़ होता है वो क्वालिटी के अंदर ऐसी प्रेजेंट होती हैं कि जो सीलिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं तो इस वजह से ये कॉर्क टिशू जो है वो वो उसके लिए यूज़ किया जाता है इसके अलावा कॉर्क सेल जो है इनके अंदर जो है वो वेरी थिन पोर्स जो है प्रेजेंट होते हैं बॉटल कॉर्क के वॉल जो है उसके अंदर थिन पोर्स जो है प्रेजेंट होते हैं और ये पोर्स जो है प्लाज्मो से डेवलप होते हैं प्लाज्मो एज यू नो दिज आर द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन विच आर प्रेजेंट थ्रू विच द साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल इज़ कनेक्टेड विद द अदर बट एट लेटर स्टेज व्हेन द प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लासोपलाज जो है इसका वो डिसअपियर हो जाता है लॉस्ट हो जाता है तो ये जो यहाँ पर पोर्स डिवेलप हो जाते हैं इसकी जगह पर और ये पोर्स भी बाद में जो है वो फिर डेंस मटीरियल से जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं इसके अलावा ये जो कॉर्क सेल्स हैं इनका जो फलम सेल जो है इनका बहुत सारी वॉल्स की डेवलपमेंट की वजह से जिस तरह से हमने पढ़ा कि सुब्रेन लेयर डेवलप होती है और अल्टरनेट वैक्स और सुब्रेन की लेयर डेवलप होती है सेल की लेयर डेवलप होती है तो इन लेयर्स की डेवलपमेंट की वजह से जो है वो इसका प्रोटोप्लास्ट जो है इन सेल का वो जो है वो डिसपेयर हो जाता है और सेल यूमन जो होती है वो बाद में एयर से फिल्ड हो जाती है मीन इट बिकम्स फिल्ड विद एयर या फिर इसके अंदर जो है वो पिगमेंटेड सब्सटेंसेस जिनको जिस तरह के रेजेंट्स और टैनिन्स जो हैं वो इनके अंदर भर जाती हैं प्रोटोप्लास्ट जो है वो इसके डिसपेयर होने की वजह से कॉर्क सेल जो हैं एट मेचोरिटी दे आर द डेड सेल्स काक टिश्यू के अंदर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जो हैं दिस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और कुछ प्लांट्स के अंदर जो है वो क्रिस्टल कंटेनिंग सेल प्रेजेंट होते हैं और सेक्लिराइड्स जो हैं वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं <coughs> काक सेल्स के अंदर और समटाइम्स जो नॉन सुबराइज सेल होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं जिनको फेलॉइड्स कहते हैं नॉन सुबराइज मीन के जिनमें सुब्र सब्सटांस की डिपोजिशन नहीं होती है और कॉमनली कॉर्क सेल जो है वो उनमें दो टाइप के जो है वो कॉमन टाइप्स ऑफ कॉर्क सेल्स आर रिकोगगनाइज और नंबर वन जो है उनको दे आर थिन वॉल्ड सेल्स जो हॉलो होते हैं खाली होते हैं अंदर से और रेडियली जो है वो वाइट होते हैं दूसरी टाइप के जो सेल्स हैं वो थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं रेडियली फ्लैटेंड होते हैं और इनके अंदर जो है रेजेंस और टन uh, जो सबस्टांसिज हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और सम टाइम ये दोनों टाइप के जो सेल्स होते हैं वो एक ही प्लांट में भी जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं जिस तरह के यूक्लिप्टस प्लांट जो है उसमें बहुत टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट

और उनमें एयर जो है वो फिल्ड होते हैं ये सेल्स और मेचोर कॉर्प जो होता है वो कंप्रेसिबल और रेजिलिएंट टिश्यू होता है रेजिलिएंट एंड कंप्रेसिबल टिश्यूज दैट विच शो इलास्टिक प्रॉपर्टीज मीन के व्हेन इट इज स्ट्रेस्ड और प्रेस्ड इट चेंजेस इट्स स्ट्रक्चर पोजीशन बट वैन द प्रेशर इज़ रिलीज इट अगेन कम्स इन टू इट्स औरिजिनल पोजिशन जिस तरह अलास्टिक जो है उसको हम खींचते हैं प्रेशर के साथ तो वो खिंच जाती है स्ट्रेच हो जाती है लेकिन जैसे ही हम प्रेशर छोड़ते हैं तो अपनी औरिजिनल कंडीशन में आ जाती है तो कॉर्क सेल जो है वो उनके अंदर जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होती हैं वो बॉटल कॉर्क के लिए यूज़ किया जाता है इसके अलावा कॉर्क सेल जो है उसमें ये जो है वो वाटर के लिए हाईली इम्परवियस होते हैं मीन वाटर कैन नॉट पास और ऑयल रेजिस्टेंट भी होते हैं और इनके अंदर जो सुब्रिन और वैक्स लेयर प्रेजेंट होती है सुब्रिन लेयर तो परमिएबल होती है लेकिन वैक्स लेयर जो होती है वो इम्परवियस होती है मीन उससे जो है वो नहीं गुजर सकता है वाटर अब इसमें जो है वो एयरफील्ड सेल्यूमन होती है इन सेल्स की मेचोरिटी पर Uh, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट जो है हो जाता है तो इस एयर फील्ड फे, ल्यूमिना की वजह से जो है ये कॉर्क सेल जो है वो लाइट इनवेट होते हैं और ये थर्मल इंसुलेटिंग क्वालिटीज़ भी जो है वो इनके अंदर प्रोड्यूस हो जाती हैं कि इनसे हीट भी जो है वो आ, पास नहीं हो सकती है कंडक्ट नहीं हो सकती है <coughs> अब हम जो है वो इसका थर्ड कंपोनेंट देखते हैं पेरिडर्म का दैट इज़ नोन एज द फेलोडर फेलोडम सेल विच आर प्रोड्यूस्ड बाय दॉर केम्बियम और फेलोजन टूवर्स द लोअर साइड टूवर्स द इनर साइड फेलोडम सेल जो है ये लिविंग सेल्स होते हैं और ये नॉन सुबराइज होते हैं इनकी वॉल में सुबरिन जो है वो डिपॉजिट नहीं होता है और ये आ, पेरन कायमा सेल जो है वो कॉरटेक्स के उनसे उनकी वॉल स्ट्रक्चर और कंटेंट्स के अकॉर्डिंग जो है ये उनसे रिजेम्बल करते हैं मतलब इनका वॉल स्ट्रक्चर उनके अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट होते हैं वो पेरेंट सेल्स जो है वो उनसे रिजेम्बल करते हैं लेकिन उनसे डिस्टिंग्विश इस तरह से किए जा सकते हैं कि ये जो है वो फैलोजिन uh, से जब डिवेलप होते हैं फेलोजिन के सेल जब टेंजेंशली डिवाइड करते हैं तो उनसे जब डिवेलप होते हैं तो ये फेलोजिन के बिल्कुल साथ जो है वो उसके नीचे ये रेडियल सीरीज़ की फॉर्म में जो है वो इनकी अरेंजमेंट जो है वो नज़र आती है और कुछ प्लांट्स जो हैं उनके अंदर ये जो फेलोडम सेल्स होते हैं इनके अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं एंड इट मीन्स के वैन क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट दे कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द फोटोसेंसिस ऑल्सो दी सेल्स मे ऑल्सो स्टोर स्टार्च इनके अंदर स्टार्च भी जो है वो डिपॉजिट हो सकता है होता है इनके अंदर आ, इसके अलावा इन में जो है वो आ, जो है वो सकलाइड्स और अदर्स कुछ स्पेशल टाइप के सेल जो है वो भी इनके अंदर जो है वो फेलोडम सेल्स के अंदर समटाइम जो है वो प्रेजेंट होते हैं अब इसके बाद जो है वह हम ये देखते हैं कि पेलीडम जो है प्लांट बॉडी के अंदर उसके किस किस पार्ट में जो है वो डेवलप हो सकती है कहाँ कहाँ पर जो है ये ओरिजिनेट हो सकती है तो पेरिडम जिस तरह हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इट रिप्लेसिज़ द प्राइमरी प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ मीन के जब एपिडर्मस या कॉर्टेक्ट जो है रप्चर होती है डैमेज हो जाती है तो इन प्लेस ऑफ दिस जो कि प्राइमरी टिश्यूज़ हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ के तौर पर एक्ट करते हैं इनको रिप्लेस करते हैं इनकी जगह पर जो है ये प्रोड्यूस होती है जो न्यू टिश्यू प्रोड्यूस होता है वो पेरीड्रम कहलाता है अब प्लांट के अंदर चूंकि जो है वो कंटिनूस सेकेंडरी एक्टिविटी होती है कंटिन्यूसली वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी टिश्यूज सकेंड्री जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करती रहती है तो उसमें जो है वो आ, इस एक्टिविटी की वजह से आ, फर्स्ट पैरिडम जो प्रोड्यूस होती है इट इज़ ऑल्सो रिप्लेस्ड बाय द न्यू पेरीडम जो कि डीप लिविंग टिश्यू जो है उसके अंदर प्रोड्यूस होती है तो इसका मतलब ये है कि पहली दफ़ा जो पेरिडम बनती है और उसके बाद लेटर फॉर्म जो है उसमें डिस्टिंग्विश करना जो है ज़रूरी हो जाता है कि फ़र्स्ट टाइम जो पेरिडम बनती है वो कहाँ पर बनती है और सेकंड टाइम नेक्स्ट आफ्टर दैट जो लेटर फॉर्म पेरिडम्स है वो जो है वो कहाँ पर बनती है? तो इसमें सबसे पहले जो है वो हम पढ़ेंगे फर्स्ट फॉर्म पैरिडम के पहली दफ़ा जो पैरिडम बनती है फेलोजन uh, जो डेवलप होती है या कॉर कैम्बियम डेवलप होती है वो प्लांट के किन किन पार्ट्स में जो है वो कहाँ पर डेवलप होती है डेवलप हो सकती है कहाँ कहाँ पर तो फर्स्ट फॉर्म फेलोजन जो है इट मे अगर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट प्लांट बॉडी विच आर एक्सटर्नल टू द वेस्कुलर कैम्बियम यानी कि वेस्कुलर कैम्बियम जो है उसके आउटर साइड पर जो टिशूस हैं उनमें कहीं भी ये डिवेलप हो सकती है और वेस्कुलर कैम्बियम के आउटर साइड पर कौन कौन से टिशू होते हैं आउटर टू वेस्कुलर कैम्बियम इज़ द सेकेंड्रीज फ्लोएम दैन आउटर टू सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो प्राइमरी फ्लोएम है दैन जो है वो पेरीसाइकल है फिर एंड्रोडर्मस है फिर कॉर्टिक्स आ जाती है फिर जो है वो हाइपोडर्मस है और फिर उसके बाद जो है वो एपिडर्मल रीजन आ जाते हैं तो इन एक्सटर्नल टू वेस्कुलर कैम्बियम इन ऑल रीजन जो है आ, उस पर पे, पेरीडम जो है वो डिवेलप हो सकती है इन मनी केसेस फॉर एग्ज़ाम्पल इनको एक सुबर मेलिस पुमिला और पायरस कम्यूनिस जिसको नाशपाती भी कहते हैं मेलिस पोमिलास एप्पल को कहते हैं तो इन जो पहली पेरीडम बनती है ये जो है वो एपीडरमस के अंदर डिवेलप होती है आमतौर पर फेलोजेन जो है ये जस्ट बिलो द एपिडर्मस भी जो है वो डेवलप होती है सेल में फॉर एग्जांपल पॉपुलस और जुबलिन जो प्लांट हैं उनके अंदर एपिडर्मस के नीचे जो लेयर प्रेजेंट होती है मीन के हाइपोडर्मल रीजन जो है उसमें भी डेवलप होती है फिर इसी तरह से पोटैटो ट्यूबर जो है उसमें फैलोजिन जो है ये एपिडर्मल में और एज़ वेल एज़ सब एपिडर्मल मीन के एपिडर्मस और एपिडर्मस के नीचे वाली जो लेयर्स हैं उसमें भी जो है वो डिवेलप हो सकती है अब एपिडर्मस में जो पैलिडम बनती है ये जो है वो फंक्शनल नहीं रहती है क्योंकि ये आउटर लेयर्स में बनती है और आउटर लेयर जो है वो आपको पता है कि बार बार जो है वो रपच्चर होती हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा देर तक जो है वो फंक्शनल नहीं रहती है इन सम केसेस इन द स्टेम्स ऑफ रुबीनिया एंड पाइनस जो है उसमें पहली दफ़ा जो पेरीडर्म बनती है वो कॉर्टेक्स की सेकेंड या थर्ड लेयर जो है वो उसके अंदर डेवलप होती है तो अब ये हम कुछ डायग्राम देखते हैं जिनमें एपिडर्मस जो है वो एपिडर्मल रीजन में डेवलप हुई है दिस डायग्राम जो है इट इज़ शोइंग द पार्ट्स ऑफ द प्लांट स्टेम के ये क्यूटिकल लेयर है फिर उसके बाद ये आउटर पोर्शन ऑफ एपिडर्मल सेल्स uh, है फिर उसके बाद जो है आप देखें कि जहाँ पर जो है डेड कॉर्क टिश्यूज जो है वो नज़र आ रहे हैं उनकी लेयर है फिर उसके बाद नीचे जो है वो फेलोज़िन है कॉर्क कैम्बियम है और उसके नीचे जो है वो इनर पोर्शन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स हैं अभी फेलोडर्म की जो है जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई है तो उसके नीचे जो है वो कुल ऑफ द कॉर्टेक्स रीजन जो प्रेजेंट है तो इट मीन्स यहाँ पर जो पेलीडर्म डेवलप हुई है इट इज़ डेवलपिंग इन बिटवीन द एपिडर्मल सेल्स मीन के एपिडर्मस जहाँ पर मल्टीलेयर्ड होती है वहाँ पर ये एपिडर्मस का आउटर पोर्शन है लेयर है और ये जो है इनर एपिडर्मल सेल्स हैं तो इसके बीच में जो है ये सेंटर में ये फेलोजेन जो है वो डिवेलप हुई और फेलोजिन ने आउटर साइड पर कॉर्क सेल जो है वो प्रोड्यूस किए हैं और इसके नीचे जो है वो कोलन ऑफ द कोर्टेक्स uh, सेल्स हैं और ये फेलोजिन जो है ये एपिडर्मल फेलोजिन कहलाएगी क्योंकि ये एपिडर्मल रीजन uh, में जो है वो प्रोड्यूस हुई है <coughs> फिर इसी तरह से ये दूसरी डायग्राम जो है इसमें जो है आप देखें कि आउटर लेयर कॉर्ट क्यूटिकल देन एपिडर्मस और एपिडर्मस के नीचे जो है आपको टिश्यू नज़र आ रहा है मीन के एपिडर्मस यहाँ पर सिंगल लेयर है तो बिलो द एपिडर्मस जो है वो फेलोजिन uh, की डेवलपमेंट जो है वो हुई है और उस फेलोजिन ने जो है वो कॉर्क सेल जो है आउटर साइड पर प्रोड्यूस किए हैं कॉर्क टिश्यू कॉर्क सेल्स और एंड दिस इज द फेलोजिन एंड बिलो दिस फेलोजिन द फेलोडम सेल्स आर प्रोड्यूस्ड और उसके नीचे जो है वो कुलन काय ऑफ द कॉर्टेक्स जो है वो प्रेजेंट है तो अब यहाँ पर जो फेलोजन प्रोड्यूस हुई है ये हाइपोडर्मस रीजन या सब एपिडर्मल रीजन जो है उसमें प्रोड्यूस हुई है कि एपिडर्मस के नीचे जो हाइपोडर्मल पार्ट है कॉर्टेक्स के ऊपर उस रीजन में जो है वो फेलोजिन प्रोड्यूस हुई है हाइपोडर्मल पुडर्म, फेलोजिन अब ये जो थर्ड डायग्राम है इसमें देखते हैं कि फेलोजन कहाँ पर प्रोड्यूस हुई है इसमें जो है वो फेलोजन दिस इज एपिडर्मस कॉर्टेक्स यहाँ भी प्रोड्यूस नहीं हुई है उसके बाद एंड्रोडर्मस है एंड्रोडर्मस पे भी प्रोड्यूस नहीं हुई है अब एंड्रोडर्मस के नीचे अगर आप देखें तो ये कॉर्क सेल आपको नजर आ रहे हैं फिटूलियर्स फिर उसके बाद फेलोजिन है और उसके बाद जो है वो फेलो उसके नीचे जो है फेलोडर्म सेल्स हैं तो इट मीनस के यहाँ पर जो फेलोजिन डिवेलप हुई है ये डीप टिश्यूज़ में इनर टिश्यूज़ में डिवेलप हुई है जो एंड्रोडर्मस और ये जो है वो सकलेरन काइम ऑफ पेरिसाइकल पेरिसाइकल और एंड्रोडर्मस के सेंटर में बीच में जो है ये पेरिडम uh, जो है वो डिवेलप हुई है ये इनर्स मतलब डीप सीटेड टिश्यू जो है उसके अंदर फेलोजन डिवेलप हुई है अब यहाँ पर आप देखें तो फेलोजन के जो सेल्स हैं उनके नीचे जो फेलोडम सेल्स हैं ये रेडियल सीरीज़ की फॉर्म में प्रेजेंट है जिस सेल से प्रोड्यूस हुए हैं वो कंटिन्यूसली uh, जो से प्रोड्यूस हो जाते हैं तो वो इस तरह से जो है वो रेडियल सीरीज की फॉर्म में जो है वो पहले नज़र आते हैं जब बनते हैं डेवलप होते हैं लेकिन जैसे ही मेच्योर होते हैं तो फिर बाद में दूसरे कॉर्टिकल सेल जो उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं उनसे रिजेंबल करते हैं ये डीप सीटेड फेलोजिन फैल, थी तो इस तरह से हमने इन डायग्राम में तीन डिफरेंट टाइप्स की फेलोजिन देखी एक एपिडर्मस पे जो डिवेलप होती है और सब एपिडर्मल रीजन में और थर्ड जो है ये इनर टिश्यूज़ के अंदर जो है वो पेरीडर्म की डिवेलपमेंट हुई है Uh, कुछ प्लांट्स जो हैं जैसे अथूचा और विटस है इसके अंदर पहली पेरीडम जो डेवलप होती है ये फ्लोएम के करीब या जो है वो फ्लोएम पेरन कायमा में जो है वो डेवलप होती है इस तरह से जिमनोसपम्स और डायकॉट जो है उनकी रूट्स के अंदर जो फर्स्ट फैलोजन है ये इनर लेयर्स के अंदर बनती है स्पेशली पेरीसाइकल जो है वो उसके अंदर डेवलप होती है इस तरह से मोनोकॉट की जो रूट्स हैं उनके अंदर रेयरली पेरीडम डिवेलप होती है लेकिन जब डिवेलप होती है तो पहली जो पेरीडम टिशू जो प्रोटेक्टिव टिश्यू जो डिवेलप होता है ये कॉर्टेक्स की आउटर लेयर जो है उसके अंदर डिवेलप होता है मीन के उसके अंदर कॉर्टेक्स की तो डिफ्रेंसीेशन नहीं होती है मोनोकॉर्ट्स में लेकिन जो ग्राउंड टिश्यू होता है उसकी आउटर लेयर जो है उसके अंदर डिवेलप होती है ये तो थी पहली पेरीडम फर्स्ट टाइम जब पेरीडम बनती है तो वो हमने पढ़ा कि एपिडर्मस में भी डेवलप हो सकती है सब एपिडर्मल रीजन में भी डेवलप हो सकती है इट मे बी डेवलप्ड इन द कॉर्टिकल रीजन इनर कॉर्टिकल रीजन इट मे बी डेवलप्ड इन द देरिसाइकल रीजन इट मे बी डेवलप्ड इन द फ्लोएम रीजन अब हम देखते हैं कि लेटर फॉर्म जो पेरिडम्स हैं पहली दफ़ा जब पेरिडम बनती है तो उसके बाद कंटिन्यूस एक्टिविटी होती है स्केंडरी टिश्यूज़ के डेवलप होने की तो उसके बाद जो है जो बाद में बनने वाली पेरिडम्स हैं वो कहाँ पर जो है वो डेवलप होती हैं तो इनको हम सबसिक्वेंट या लेटर फॉर्म या एडिशनल पेरीडम्स भी कहते हैं दिस अपीयर्स इन द सेम ईयर और लेटर ये उसी साल भी डेवलप हो सकती हैं जब पहली पेरीडम डेवलप हुई या जो है बाद में भी डेवलप हो सकती हैं और ये जो है वो कॉर्टेक्स और प्राइमरी फ्लोएम जो है उसके जो है वो डीपर रीजन जो है वो उसके अंदर प्रोड्यूस होती हैं या सेकेंडरी फ्लोएम में भी जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है तो लेटर फॉर्म जो पेरिडम्स है वो दो टाइप्स में डिस्टिंग उनको किया जा सकता है टू टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सबसिक्वेंट पेरिडम्स में भी डिस्टिंग नंबर वन कौन सी है इन प्लांट्स वेयर द फर्स्ट फॉर्म पेरिडम डिवेलप इन एन इनर लेयर जिसमें पहली पेरिडम जो है वो इनर लेयर्स के अंदर बनती है जिस पेरीसाइकिल है जो से फ्लोएम है या जो है कॉर्टेक्स की इनर लेयर्स के अंदर डिवेलप होती है तो इनके अंदर जो जिस तरह वाइटस है तो इसके अंदर जो है वो एडिशनल पेरीडम जो बनती है ये कंप्लीट एंटायर सिलेंडर की फॉर्म में बनती है मतलब कंप्लीट रिंग की फॉर्म में जो है वो बनती है जो जिस तरह के पहली पेरीडम जो है वो डेवलप होती है इनर टिश्यूज के अंदर बनने वाली फर्स्ट पैरिडम भी जो है वो कंप्लीट सिलेंडर कंप्लीट रिंग की फॉर्म में जो है वो बनती है ये तो होगी फर्स्ट टाइप के कंप्लीट सिलेंडर की फॉर्म में जो है वो पेरीडम डिवेलप होती है Second टाइप ऑफ subsequent or और एडिशनल are आर दो विच आर प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स और द शल्स और ये उन plants में इस तरह की develop होती हैं कि जिन plants में पहली पेरीडम जो है वो एपिडर्मस या आउटर uh, कॉर्टिकल regions में जो है वो develop होती हैं पहली पेरीडम तो इनिडम इन plants इन के अंदर जो एडिशनल पेरीडम्स develop होती हैं जैसे फाइनस plant है तो वो जो है वो स्केल्स और शेल्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है मीन के कंप्लीट सिलेंडर या कंप्लीट रिंग नहीं होता है बल्कि पीसीस की फॉर्म में जो है वो टुकड़ों की फॉर्म में जो है वो बनती हैं और इनकी जो है वो कॉन्केव साइड जो है वो आउटर साइड की तरफ होती है रूट्स uh, के अंदर जो पेरिडर्म डेवलप होती है पहली पेरिडर्म जो डेवलप होती है uh, ये रूट्स के अंदर इट मे परसिस्ट परसिस्ट मीन यही जो है वो uh, बनी रहती है एज अ कंटिन्यूस लेयर ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ द ऑर्गन Uh, सिवाय रूट टिप जो है वो उसके अलावा बाकी जो पार्ट है उसके ऊपर जो है वो कंटिन्यूस लेयर की फॉर्म में पहली पेरिडर्म ही जो है वो प्रसिस्ट करती है और uh, 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 सिलेंडर की डायमीटर में जो इनक्रीज है वो जो है वो uh, इंक्रीज़ होता है कैसे इनक्रीज़ होती है के फेलोजिन सेल्स और जो लिविंग सेल उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं उनमें जो है वो एंटीक्लाइनल क्लाइनल होती हैं और उन एंटीक्लाइनल क्लाइनल के रिजल्ट के तौर पर जो है वो इस पेरिडर्म का जो है वो सर्कम थ्रेंस इनक्रीज होता रहता है जिसकी वजह से जो है वो रपच्चरिंग ऑफ टिश्यूज डरना अकर फर्स्ट फॉर्म पेरिडर्म जो है वो रप्चर नहीं होती है डैमेज नहीं होती है वही जो है वो कायम रहती है बनी रहती है और जिसकी वजह से नई पेरिडर्म जो है वो नहीं डिवेलप होती है यूजली uh, रूट्स uh, के अंदर जो कॉर्क टिश्यू डेवलप होता है वो थिन और स्मूथ होता है और बहुत सारे जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं उनकी रूट्स में जो है वो पेरिडम डेवलप नहीं होती है बल्कि उनमें जो आउटर लेयर अगर रप्चर होती है या कोई डैमेज हो जाता है या डेवलप होता है या जो भी होता है तो रपच्चरिंग की वजह से जो है वो उसमें आउटर मोस्ट लेयर जो होती है रपच्चरिंग तक वो जो है वो उसमें सुबरिन डिपॉज़िट होकर वो सेल जो है सुब्राइज हो जाते हैं और ये जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर जो है वो एक्ट करते हैं और उनमें पेरीडर्म जो है वो डेवलप नहीं होती है अब हम देखते हैं कि पैरीडर्म जो है वो उसकी डिवेलपमेंट किस तरह से होती है के एक प्लांट है प्लांट पार्ट है जब उसमें सेकेंडरी टिश्यूज़ की प्रोडक्शन हुई और इंक्रीज इन डायमीटर हुई और कॉर्टिकल रीजन या जो है वो एपिडर्मल सेल जो है वो रप्चर हो गए या कोलन कायमा सेल जो है वो रप्चर हो गए तो वहाँ पर पेरीडर्म जो है वो कैसे स्टार्ट होगी <coughs> तो फेलोजिन जो है या कॉर्कैम्बियम जो है Uh, जिससे पेरिडम टिश्यू जो है डेवलप हो गए ये जो है वो uh, एपिडर्मल सेल्स में भी डिवेलप हो सकती है पीछे हमने पढ़ा ये पेरनकाइमा सेल्स में भी डिवेलप हो सकती है जो कॉर्टिकल रीजन के है या जो है एपोड्रमस रीजन में है या जो है वो फ्लोइम पेरनकाया में है और जो है ये या फिर कोलनकाइमा सेल्स में भी जो है वो डिवेलप हो सकती है दी सेल्स दे बिकम मरिस्टमैटिक भी डिवाइड करना शुरू कर देते हैं और इसमें जो है वो डिवाइड करने से पहले इनके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं कि उनके जो सेंट्रल वैक्यूल जो प्रेजेंट होते हैं हमने पढ़ा कि वेरियस डिफरेंट टाइप्स के वेक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो जो है वो डिसपेयर हो जाते हैं और सेल्स का जो है साइटोप्ला जो है वो इंक्रीज हो जाता है और उसके अलावा इन सेल्स के अंदर जो स्टार्च प्रजेंट होता है या जो टैनन्स वग़ैरह प्रजेंट होते हैं वो भी जो है वो डिसपियर हो जाते हैं और इसके बाद जो है इस सेल जो है उसमें पेरीक्लाइनल डिवीज़न स्टार्ट हो जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट पेरिक्लाइनल डिवीज़न सेल्स आर फॉर्मड द इनर और द लोअर सेल जो है ये यूजुअली जो है वो डिवाइड नहीं होता है फर्दर एंड इट बिकम द फेलोडर्म सेल्स वाइल द आउटर सेल इट अंडरगोज ए पेरीक्लाइनल डिवीज़न अगेन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द टू सेल्स एंड द आउटर ऑफ दिज टू सेल जो है डोटर सेल जो है उसमें आउटर वन जो है वो कार्क सेल बन जाता है कार्क सेल में डिफ्रेंशियट हो जाता है फैलम सेल एंड द इनर सेल और द लोअर सेल जो है अब वो इन बिटवीन द आउटर एंड द लोअर सेल प्रजेंट है तो दिस सेल एक्ट एज द फेलोजिन इनिशियल सेल एंड इट कंटिन्यूज टू डिड इट प्रोड्यूसिस द सेल्स ऑन द आउटर साइड एट एज वेल ऑन द लोअर साइड सम टाइम्स द कॉर्क एंड द फेलोजिन सेल दॉम्ड आफ्टर द फर्स्ट डिवीज़न यानी कि अभी हमने पढ़ा कि पहले जो है वो फेलोडम सेल बनता है फिर जो है वो कॉर्क सेल बाद में डिवेलप होता है लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि फर्स्ट डिवीज़न जो है उसमें जो है वो फैलोडम सेल जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता है बल्कि कार्क सेल और फेलोजिन सेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं तो ये तो थी इसकी डिवेलपमेंट कि पेलीडम जो है वो कैसे जो है वो डिवेलप होती है इस रीजन में तो उसमें जितने भी सेल जो हैं जहाँ तक रपच्चरिंग होती है उस सेम लेवल पर द सेल जो है दे बिकम मे एंड दे फॉर्म द फेलोजिन और द कॉर्क कैम्बियम यहाँ पर हम लाइग्रामेटिकली देखते हैं कि ये पिरनकाइमा सेल प्रेजेंट है जिनमें जो है वो फेलोजिन सेल की जो है वो इनिशियल होगी और इसमें जो है वो किस तरह से बनेंगे कि वो फेलोजिन सेल जिस फ्यूचर फैलोजिन इनिशियल सेल बनेगा उसमें जो है वो वैक्यूल तो डिसपेयर होते हैं और उसके अलावा जो साइटोप्लाज उसका इंक्रीज करता है बाकी सब स्टार्स जिस तरह स्टार्स वगैरह वो भी डिसपेयर हो जाते हैं एंड दिस सेल इट टू डिवाइड पेरिक्लाइनली पेरिक्लाइनल जो है वो डिवीज़न होगी इसके अंदर फिर इसके बाद जो है इस पेरिक्लाइनल डिवीज़न के रिजल्ट के तौर पर जो नीचे वाला सेल है वो फेलोडियम सेल कहलाएगा और ऊपर वाला सेल जो है अपर सेल इट विल डिवाइड अगेन पेरिक्लाइन बाई पेरिक्लाइनल डिवीज़न और उसके रिजल्ट पे अब ऊपर वाली साइड पर जो सेल बनेगा दैट इज द कॉर्क सेल और द फलम सेल एंड द सेंट्रल सेल इट बिकम द फेलोजिन इनिशियल सेल विच कंटिन्यूसली डिवाइड इट इज मेरेस्टमेटिक और नीचे वाला जो है वो फेलोडम सेल तो इस तरह से सेल uh, जो है एट द सेम सेल लेवल जो है वो ऑल द सेल जो है uh, जितने एरिया में रिक्वायर्ड होती है फेलोजिन वहाँ पर जो है मेरेस्टमेटिक होकर फेलोजिन जो है वो डिवेलप कर देते हैं जहाँ पर आपको सिर्फ एक सेल के लिए एक सेल को सैम्पल के तौर पर जो है उसमें डिवीजन दिखाई गई है नाउ द सेल्स ऑफ द पैरिडम विद द इंक्रीज ऑफ द सेकेंडरी टिश्यूज दे ऑल्सो इंक्रीज देयर सकम फ्रेंड्स यानी कि अपना सर्फेस एरिया जो है अपने सेल्स में भी जो है वो फैलोजन uh, सेल जो है वो इंक्रीज करते हैं क्योंकि सेकेंडरी टिश्यूज़ कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहे हैं सो तो उनको ज़्यादा स्पेस ज़्यादा सरफेस एरिया रिक्वायर्ड है तो इस वजह से जो है वो सेल्स ऑफ द फैलोजिन जो है अलॉन्ग विद द पेरी डिवीज़न जिसके रिजल्ट के तौर पर जो है फैलोडम और फैलम सेल प्रोड्यूस करते हैं ये अपने सेल्स में भी जो है वो इंक्रीज uh, करते हैं बाय द एंटीक्लाइनल डिवीज़न के इन में जो है वो एंटीक्लाइनल डिवीजन होती है ये एक फैलोजिन इनिशियल सेल है इसके अंदर जो है वो एंटीक्लाइनल uh, क्लाइनल जो है वो डिवीज़न हुई और इस एंटीक्लाइनल डिवीज़न जो है वो उसके रिज़ल्ट के तौर पर इसमें जो है वो दो सेल जो है वो प्रोड्यूस हो गए और ये दो सेल जो है इस तरह से इसके एक की जगह पर अब दो सेल जो है यहाँ पर प्रेजेंट होंगे और ये दोनों सेल जो है वो अपर और लोअर साइड पर जो है वो दूसरा सेल जो नया प्रोड्यूस हुआ है वो भी अपर और लोअर साइड पर जो है वो न्यू सेल प्रोड्यूस करेगा और इस तरह से फैलोजिन जो है वो उसका सकम या सरफेस एरिया जो है वो इनक्रीज हो जाता है ये पीछे भी हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह से जो है वो डाइकोट uh, स्टेम जो है उसके अंदर स्केंडरी <coughs> टिश्यूज़ जो है वो प्रोड्यूस होते हैं पहले जो है वो कम थे लेकिन बाद में जो है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते जाते हैं और इसकी वजह से जो है वो कॉर्टेक्स रीजन में रपच्चरिंग होती है फिर एपिडर्मस जो है उसमें भी रपच्चरिंग आती है जहाँ पर रपच्चरिंग होती है तो इन दैट प्लेस प्रोटेक्टिव न्यू प्रोटेक्टिव टिश्यू इज़ प्रोड्यूसड जहाँ पर जो है वो फेलोजिन प्रोड्यूस होती है कारकेम्बियम फैलोजिन जिसको हम कहते हैं और ये फैलोजिन प्रोड्यूस हो जाती है ऑल uh, राउंड द एरिया एलोंग वेयर द रक्रिंग अकर्स तो ये फेलोजिन जब प्रोड्यूस होता हो जाती है तो ये लोअर साइड पर फेलोडर्म टिश्यू प्रोड्यूस करती है एंड ऑन इट्स अपर साइड इट प्रोड्यूस दॉर और द फेलम टिश्यू और जब फेलम प्रोड्यूस हो जाती है तो वहाँ पर जो है वो फिर इसमें जो है वो लेंटी सेल्स भी जो है वो डेवेलप हो जाते हैं <coughs> लेंटी सेल्स को हम स्ट्रक्चर जो है हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे फिर इसी तरह से ये तो था डाइकोट स्टेम में आ, प्रोटेक्टिव टिश्यू की जो है वो डायग्राम दिखाई गई आपको और इसी तरह से हमने जो है वो पढ़ा था कि रूट का स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा था डाइकोट रूट में वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से जो सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम कंटिन्यूसली जो प्रोड्यूस होते हैं तो जिस तरह जहाँ पर कम प्रोड्यूस हुए लेकिन जहाँ पर देखें कि जो है वो इनक्रीज़ जो है वो ज़्यादा हुई है इसकी विर्थ में बाय द प्रोडक्शन ऑफ द सेकेंडरी टिश्यूज़ तो यहाँ पर जो है पहले इस तरह से जो है वो स्टैम की तरह यहाँ पर भी जो है पहले कॉर्टेक्स जो है वो रप्चर होती है इनको जगह देती है फिर इसके बाद पहले एंटी डिवाइड होते रहते हैं लेकिन जब प्रेशर ज़्यादा होता है इनर टिश्यूज़ का तो वो उसमें रप्चरिंग स्टार्ट हो जाती है और वो डिसअपयर हो जाते हैं डैमेज हो के क्रश होके इसी तरह से फिर एपिडर्मल सेल जो है वो भी जो है वो यहाँ पर जो है वो मतलब इस प्रेशर की वजह से इंक्रीज इन टिश्यू की वजह से जो ये एपिडर्मल सेल जो है ये भी रप्चर हो जाते हैं और उसकी जगह पर फिर जो नया टिशू प्रोटेक्टिव टिशू प्रोड्यूस होता है इसको जो है वो कॉर्क एम्बियम कहते हैं और ये कॉर्केम्बियम जो है वो आउटर साइड की तरफ जो है ये कॉर्क टिशू प्रोड्यूस करती है और इनर साइड की तरफ जो है वो फैलोडम टिशू जो है वो प्रोड्यूस करती है या फेलोडम सेल जो है वो नहीं भी प्रोड्यूस होते हैं लेकिन प्रोड्यूस हो भी सकते हैं तो ये जो है वो आज हमने जो है वो पैरीडम के बारे में डिटेल में पढ़ा जो एक प्रोटेक्टिव टिशू है और उसमें जो है वो उसकी अक्रेंस के बारे में पढ़ा कि कहाँ कहाँ पर किन प्लांट्स में पाई जाती है प्रोड्यूस होती है और प्लांट पार्ट के प्लांट के किस किस पार्ट में प्रोड्यूस होती है इसके जो है वो कंपोनेंट्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और इसकी डेवलपमेंट के बारे में जो है वो आज हमने पढ़ा है अब इससे रिलेटेड कुछ और जो है वो पैरिडम uh, से रिलेटेड कुछ और uh, जो है वो टिश्यूज डिफरेंट नेचर के टिश्यूज़ जो है वो प्रोड्यूस होते हैं तो उसकी डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे